नाम वीरभद्र मिश्र, मसा के ही रहने वाले हैं। हाँ, वो उम्र हमारी 89 ईयर्स है। पहले ये गौरैया चिड़िया और एक गिलगिलिया पीली चोंच वाली, ये काफी मात्रा में रहा करती थी और घर के आसपास पेड़ थे, पीपल का पेड़ था और एक और दूसरा भी पेड़ था, तो उन पेड़ों पर बैठती थी। हम छत पर जो है एक पीने के लिए उनके मिट्टी के बर्तन में पानी रख देते थे और दाने के लिए बाजरा या ज्वार ये डाल देते थे, आराम से खूब खाती थी और उड़ जाती थी फिर। और घरों में ही उन्होंने घोंसले भी बना रखे थे गौरैया चिड़िया ने। हम लोग छत के ऊपर, अपने मकान की छत के ऊपर एक डलिया या टोकरी जैसी वो होती थी बांस की बनी हुई, उसके अंदर एक लकड़ी की लगा के और उसे खड़ी कर देते थे और लकड़ी में जरा सी सुतली वगैरह बांध के और हम लोग अलग हो जाते थे। टोकरी के नीचे दाना भी डाल देते थे, पानी रख देते थे थोड़ा, और जब देखा कि चिड़िया आई इसके अंदर दाना खाने के लिए तो हम जो धागे से उस लकड़ी को जरा खींच देते तब वो एकदम गिर जाती थी। अब उसके नीचे कभी तो सब चिड़िया उड़ जाती थी और कभी जो है एक दो उसमें रह जाती थी, तो उसको हम हाथ से पकड़ लेते थे। घर में घोंसले बना लेती थी, अंडे होते थे, बच्चे निकलते थे, उन्हें हम लोग बड़े उससे देखते थे कि ये अंडे में से बच्चा निकला है, बहुत छोटा सा बच्चा है ये, अब इसके पर निकला है ये थोड़ा, उसी तरह से पीले और कुछ गुलाबी से पर निकलते थे उनके बड़े के होने पर, और वो उड़ जाते बस। पहले 50 साल पहले करीब ये हमारे यहाँ घड़ियाँ नहीं थी, अलार्म नहीं थे, खाली चिड़ियों की चहचहाट से ही सुबह अपने आप नींद खुल जाती थी। सूर्योदय से पहले ही चिड़ियों की चहचहाट खूब अच्छी तरह से होने लगती थी और उससे ही हम लोग जग जाते थे। अब आजकल तो सब अलार्म पर ही निर्भर हैं।